नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है घमासान डॉट कॉम पर। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जिस तरह इंदौर से शंकर लालवानी को नए चेहरे के साथ इंदौर के मैदान में उतारा है, क्या लगता है आपको शत प्रतिशत जीत होगी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब 1989 के अंदर माननीय सुमित्रा महाजन जी को उम्मीदवार बनाया था जी, तो वो पार्षद से डिप्टी मेयर थी और उनको लोकसभा का टिकट दिया था जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन काम करता है जी, हमारा संगठन 24/7 काम करने वाला संगठन है जी, हमारा नेटवर्क नीचे बूथ तक है जी, तो उम्मीदवार तो प्रतीक होता है जी। या भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता चुनाव में काम करते, फिर मोदी जी का फेस जी, भारतीय जनता पार्टी के काम, भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम, इंदौर की जनता भली भांति परिचित से कि इस शहर का विकास किसने किया है जी। तो मुझको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सर जिस तरह आपने पंकज संघवी को एक बार हार दिलाई थी, क्या लगता है शंकर लालवानी भी हरा पाएंगे पंकज संघवी को? नहीं, 100% शंकर लालवानी चुनाव जीतेंगे जी, और अच्छे मतों से, अच्छे मार्जिन से लेकर चुनाव जीतेंगे वो। सर आगे कौन कौन सी नीतियां लागू करेंगे शंकर लालवानी अगर चुनाव जीतते हैं तो? देखिए हमारी नीति स्पष्ट है, राष्ट्रवाद की नीति, विकास की नीति है जी, उस नीति पे शंकर लालवानी भी काम करेंगे। इंदौर के लिए सर क्या नया आपकी पार्टी की ओर से? देखिए इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जी जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितनी सड़कें चौड़ी हुई हैं जी, जितनी नर्मदा की टंकियां बन रही हैं जी, जितने बाईपास बने हैं, तो ये सब चीजें, जितने ट्रेन की सुविधा बढ़ी है जी, एयरपोर्ट का विकास हुआ, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सर इन दिनों प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बयान आ रहे, लगातार प्रज्ञा ठाकुर बयान दे रही है, क्या लगता है दिग्विजय सिंह के सामने प्रज्ञा ठाकुर अपनी जीत हासिल कर पाएगी? 100% प्रज्ञा ठाकुर जी विजय होंगी जी। जिस तरह हिंदू प्रभु आतंकवाद के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करी है जी, इसका जवाब जनता इस चुनाव में देगी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ghamasan.com से जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।